आज तक गर्म चाय पीनी है हमें, ठंडी नहीं पीनी बिल्कुल भी। ठंडी चाय से परहेज करना। हाँ, और आज मेरी हो गई हालत खराब। हालत खराब क्या, मेरी आज जान चली जाती VXI के रिव्यू के चक्कर में। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मड़गांव से। अभी मड़गांव में आए हुए हैं और आज थोड़ा मड़गांव घुमाएंगे आपको, थोड़ा इधर की तरफ दिखाते हैं, देन उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें आज घूम के जानी है, बहुत जगह विजिट करना है। तो अभी हम हैं मड़गांव के बाईपास पे, बस रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं, रेलवे की जो लाइन है। और मोनिका शांत बैठी हुई है आज। मोनिका की तबीयत डाउन है, हल्का गले में दर्द है, वही वेदर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा चल रहा है आजकल ये। इधर ना वेदर चेंज होता पता ही नहीं चलता कब चेंज हुआ और सब बीमार हो जाते हैं एकदम से। हाँ, हल्का गला मेरा भी खराब है, दर्द हल्का सा है गले में, वही हल्की वाड़ी सर्दी लग गई। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कभी धूप निकल रही है, कभी बरसात हो जाती है। और मड़गांव आजकल हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि अपने साइड परचून की दुकान पर जाते हो। हर दूसरे तीसरे दिन मड़गांव का चक्कर लग जाता है, कुछ ना कुछ काम ही आ जाता है क्या करें। हाँ, पर कोई नहीं, घूमते रहेंगे, घूमना फिरना ही काम है अपना और कुछ नहीं है। मड़गांव का ना थोड़ा मेरे को वैसा अमरोहा जैसा फील रहता है। हाँ, वैसा सा मड़गांव, सारी चीजें मिल जाती हैं वैसे। हाँ, यहाँ पे पुरानी दिल्ली का भी फील आएगा अगर गांधी मार्केट जाओगे तो। बिल्कुल। पुलिया बनी हुई है ना, थोड़ा सा रोड टूटा हुआ मिलेगा। भाई रोज इनका मैं वेट करता हूँ कब इनका फोन आए कि आ जाओ भाई, ग्रैंड विटारा आ गई। नेक्सा वालों का पर ये कोई फोन ही नहीं कर रहे अभी। आए नहीं, 5 सितंबर तक तो ये मुझे लगता है कुछ नहीं करने वाले, पूछने भी नहीं वाले कि भाई तुम्हारी गाड़ी थी बुक या नहीं थी, कुछ नहीं पूछना इनको। हम आ गए फोंडा पे, फोंडा रोड यहाँ से। हाँ, ये फातोड़ा नाइक चौक है। हाँ, फातोड़ा लेफ्ट साइड रह जाएगा। तो जी मड़गांव घूम लिए और अभी हम निकल गए मड़गांव से आगे की तरफ। ये है सीधे हम जा रहे हैं कोलवा की तरफ ना। हाँ, आज कोलवा बीच की तरफ जाते हैं, बहुत टाइम हो गया घूमे हुए तो आज। हाँ, और इस रोड से ना हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। हाँ, शुरू में नैनो लेके आए थे, उससे पहले भी कई बार आए थे ना। नहीं, पहले की नहीं है, नैनो वाली स्पेशल है। मतलब जब हम नैनो से गोवा आए थे फर्स्ट टाइम, मतलब रोड ट्रिप तो वो हमारी फर्स्ट ही थी गोवा की। और इस वाले रोड पे ही हम लोग रुके थे और हम लोग दोपहर में आए थे, हमें खाना नहीं मिला था कहीं भी। बिल्कुल, वो थक गया था। मतलब वो ट्रिप थी ना मेरी नैनो से, उसमें बहुत मेहनत मारी थी मैंने, बहुत मेहनत की थी। मतलब नॉन स्टॉप दिल्ली से यहाँ तक नैनो से आना, मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क भी था फैमिली के साथ में। हम सोचो आधे वडोदरा तक आते आते हम लोग डरे हुए थे, वडोदरा तक आके हमारी हिम्मत पड़ी कि नहीं, हम आधा रास्ता नाप लिया। हाँ, और टास्क भी बहुत तगड़ा था वो मेरा। हाँ, मतलब मन में आ गई कि ठान अब करना है तो करना है, यही कहीं स्टे किया था थोड़ा सा आगे जाके। पर वो ट्रिप ना हमने सबसे ज्यादा एंजॉय की थी, मतलब। हाँ, अपनी गाड़ी है, मुंह उठा के जिधर मर्जी चल दो। खर्चा भी बहुत कम आया था नैनो से। हाँ, exactly. 13,000 का पेट्रोल बस अप एंड डाउन। हाँ, और आई थिंक 2,000 के आसपास टोल लगे थे। हाँ, तो टोटल इतना खर्चा आया था बस। तब टोल भी कम होते थे, अब टोल बढ़ गए। याद है आ गई पुरानी, वही नैनो की बात ही अलग थी कुछ। मतलब ऐसा छोटी सी गाड़ी थी, किधर भी घुसा लेते थे हम लोग ऐसा। मतलब मैं सोच रहा हूँ एक सिटी के लिए हम एक नैनो ले ही लेंगे, सेकंड हैंड। हाँ, सेकंड हैंड नहीं तो मिलने से। हाँ नहीं, सेकंड हैंड लेंगे अच्छी सी। हाँ, मतलब अच्छी कंडीशन। हाँ, सिटी सिटी के लिए, केवल गोवा गोवा घुमा करेंगे उससे। लंबे टूर के लिए दूसरी ले ही रहे। हाँ, बात तो सही है। हाँ, तो हमारा टाटा से भी एक जो अपना रिश्ता है ना वो रहेगा बरकरार, टाटा से रिश्ता नहीं तोड़ना। इधर रुके थे इस पुलिया को क्रॉस करने के बाद, आगे से राइट है। आगे से राइट है, मैं बताती हूँ कहाँ पे रुके थे। और सोचो आधा गोवा घूम के आ गए, हमें खाना नहीं मिला और बिल्कुल घर के जड़ में एक
बिस्ट्रो खुला था वहाँ पे खाना मिला। हाँ ये आगे से जहाँ से वो बस आ रही है ना, उस तरफ हमारा अपार्टमेंट था। हाँ ये यहाँ से राइट साइड आके, और ये वाला रेस्टोरेंट था श्री बालाजी, यहाँ पे आके हमें खाना मिला। और पूरा हम उधर तक बीच रोड सब जगह देखा है, सब बंद, क्योंकि दोपहर में 2 बज चुके थे तो उस टाइम सब बंद हो गया। और पूरी ट्रिप हमने करी थी 36,000 में, तीन लोग सोचो, जबकि फ्लाइट का हमारा पड़ जाता था 23,000 के आसपास। हाँ उस स्टे सब लगा के और एंजॉय 36 में कर ली थी वो ट्रिप हमने। हाँ और बहुत एंजॉय करने के बाद घूम के पूरा। हाँ कोलवा बीच घूम के अभी हम निकल रहे हैं आगे। एक चाय पी है मैंने, अब गर्म चाय पीता हूँ आजकल, मैं ठंडी चाय मैंने बंद कर दी क्योंकि गला खराब चल रहा है, तो इसलिए मैं गर्म ही चाय पी रहा हूँ। तो मोनिका यहाँ पे देख के बोल रही है, क्या बोल रही थी दोबारा बोलो, अब मेरा कैमरा लेट ऑन किया। कह रही ये सब यहाँ पे माहौल और यहाँ का क्राउड देख के ना, ये है कौन सा बीच, बेनोलिम बीच के देख के मन कर रहा है एक-एक बैठ के 20 सेक पे इधर बियर ही ले लो। मतलब ऐसा अंदर से ऐसा हो रहा है वहाँ 20 सेक खुले हैं ऐसा सोच के, पर फिर याद आता है गला खराब है। आज तक गर्म चाय पीनी है हमें, ठंडी नहीं पीनी बिल्कुल भी, ठंडी चाय से परहेज करना। यहाँ वैसे हमारी ठंडी चाय होती है यहाँ पे गोवा के लोगों की, गोवा में जो आते हैं घूमने के लिए उनकी पहली ठंडी चाय सुबह की यही होती है। मतलब बियर इज लाइक पानी फॉर गोवा, मतलब जो भी यहाँ लोग घूमने आते हैं सबके लिए बियर इज लाइक पानी। बिल्कुल। और बियर इज लाइक पानी मैंने क्यों कहा, ये हरविंदर के कांड होते हैं। हरविंदर ही यूजली गो टू द फ्रिज, ओपन ए बियर एंड स्टार्ट सिपिंग। तो मैं बोलती हूँ हरविंदर ये भी कोई बियर पीने का टाइम है, तो हरविंदर कहते हैं अरे प्यास लगी थी। तो कई बार ज्यादा देर प्यास लगती है ना तो इतना टाइम नहीं मिलता कि पानी निकालो उसमें से। हाँ आपको कुएं से पानी निकालना पड़ता है ना, वो कुछ अपना पंप ना वो पानी हल्का खींचता है, तो बियर एकदम बस खोलो और बैठ जाओ। नहीं तो फिर कल से मैं बियर की उसमें ना बॉटल में पानी भर के रखना शुरू करूंगी, मतलब आप सब खोलो और पी लेना। चलो वो सही रहेगा फिर। हाँ। और आज मेरी हो गई हालत खराब। हालत खराब क्या, मेरी आज जान चली जाती VXI के रिव्यू के चक्कर में। ये ब्रेजा का मैं रिव्यू कर रहा था और जैसे ही रियर सीट पे बैठा मैंने डोर बंद कर दिया और उसका चाइल्ड लॉक लगे हुए थे, तो उसके बाद में दोनों ही तरफ के चाइल्ड लॉक थे तो खुली नहीं रही और मैं उसके अंदर बंद, मतलब पसीने पसीने आ गए। अब मैंने फिर हॉर्न मारे तो एक बंदा निकल रहा था, तो तब वो बाहर आया अगली सीट पे झुक के, और जींस पहन रखी थी तो भाई अगली सीट पे कूदना तो कोई सवाल ही नहीं। मैंने एक बार सोचा कूद जाऊँ आगे को, पर जींस में क्या टांगे ही नहीं खुलती इतनी। अच्छा, और ये याद नहीं आया कि पॉकेट में फोन रखा है, मैं वहीं थोड़ी दूर पे बैठी हूँ कि मेरे को कॉल कर ले। खैर दिमाग चला, एक ना उस टाइम ना सिचुएशन था, वही हो गया था तो समझ नहीं आया क्या करें। उस टाइम मुझे लग रहा था कैसे भी इससे बाहर निकल जाऊं, अगले डोर तो खोल लेता मैं मगर आगे झुक के निकलूं कैसे, फिर वो बड़ा मुश्किल हालत हो रही थी। खैर ऐसे कांड होते रहते हैं, कभी कभी याद रहते हैं, ये ना इससे सबक मिल जाता है कि हाँ ये बैठने से पहले चेक कर लो। हाँ ये चीज, हाँ ये चीज ना आप चेक कर लो भाई, वरना फंस जाओगे। अब आगे से ध्यान रहेगा हमेशा जब भी रियर सीट पे बैठूंगा कि चाइल्ड लॉक तो नहीं लगा कहीं। तो गलतियां होती हैं उनसे हमें सबक ले लेना चाहिए, बस ये कहने का मतलब है मेरा।
काफ़ी एडवेंचर हो गया आज और काफ़ी घूम लिए और अभी पहुंचने वाले हैं अपने घर। तो इस वीडियो में अब ज़्यादा एडवेंचर नहीं करते, आगे के लिए बचा के रखते हैं, वरना ज़्यादा एडवेंचर हो गया तो फिर काम तमाम हो लेगा अपना। तो चलो कोई नहीं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में सबक लेके। हाँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।